सामने देखो टनल आ गई है। जय बजरंगबली, स्मार्ट सिटी ऑफ लेक्स वेलकम यू। टनल क्रॉस हो गई, फाइनली वी आर इन उदयपुर। जय बजरंगबली, साथ देना। तो दोस्तों राइड की शुरुआत करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। तो दोस्त अब हम निकल चुके हैं उदयपुर। टाइम हो रहा है 7:11। कहाँ ले आया भाई, ये देखो भाई साहब सामने क्या चमक मार रही है बिल्डिंग। हाँ निकल लिए, ब्यावर जा रहे हैं उदयपुर। हाँ तबीयत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फुल कर दो बर्गर किंग सीसीडी। तो भाई साहब यहाँ तो बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट है, मन तो हो रहा है बर्गर खाने का, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे चाय पीनी है और साथ में बंद मक्खन खाना है। एग्जैक्ट 1.5 घंटा, अभी 1:27 दिखा रहा था, 1:42 दिखा रहा है, क्या बात है यार। 1.5 घंटे पे जब बचेगा तब मैं स्टॉप लूँगा। टोटल 1.5 घंटे मैं बाइक चला रखा हूँगा कंटिन्यूस। हाँ तो दोस्तों सुबह हो गया है, क्या कह रहे हैं, राम मंदिर आ हुआ है, पता तुरंत ही हो आए थे। तो किशनगढ़ में अभी यहाँ भैया के शॉप पे श्री देव नारायण टी स्टॉल, ये हैं भैया, और फिलहाल ये रही अपनी धन्नो, और हम ये हैं भाई, सोच रहे हैं अभी जाएंगे किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड है, वो घूमेंगे। तो ये है कुछ राजस्थानी का खाना, भैया जी की शॉप से है, देख लो, खा के बताता हूँ कैसा है। खोल रहा है, मस्त है, कचौड़ी और दाल, मजा आ गया, जरूर खाना यार। किशनगढ़ बस स्टैंड के सामने है जस्ट, ये देखो। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, अब जा रहे हैं यहाँ का वर्ल्ड फेमस जो है किशन गार्डन, किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड, स्नो गार्डन जो भी बोलते हैं, स्नो डंपिंग यार्ड, तो वो देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक अब जा सकते हैं। कि उदयपुर पहुँचना है, उदयपुर यहाँ से लगभग 5 घंटा है। एकदम बेहतरीन व्यू सामने आपके, इधर भी ये है जगह मशहूर मार्बल्स के लिए। किसी को चाहिए मार्बल बताओ, लेता हूँगा मैं। हाँ तो दोस्त ये है डंपिंग यार्ड यहाँ का, स्नो यार्ड किशनगढ़। ओह ऐसा पूरा सफ़ेद सफ़ेद पत्थर सब दिख रहा है। बच्चों का प्लेग्राउंड भी बना रखे हैं भाई, अरे गजब। ओके सो दिस इज द प्लेस किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। कितना सफ़ेद सफ़ेद है भाई सब, ओहो मैं तो सनग्लासेस लगा के देख रहा था तब ऐसा दिख रहा था सफ़ेद। मैं तो दोस्त ये देखो यहाँ चल रहा है फोटोशूट वगैरह, दिल विल बने हुए हैं, सनग्लास पहन लेता हूँ भाई,
वरना मेरी आंखें हो जाएंगी सफ़ेद भाई, इतना वाइट है ना ये। और ये है आपके सामने किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, ये देखिए, देख रहे हो कैसे सफ़ेद सफ़ेद है पूरा। और ये रहे हम, देखो क्या शानदार है, ये पत्थर कितना बढ़िया दिख रहा है यार। मोनोलिथ, ये फेमस मोनोलिथ है भाई। हाँ देखो किशनगढ़ का जो स्नो डंपिंग यार्ड है फेमस, वो देख लिया है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अभी तो सूखा था यार, जब पानी होता है ना तब बढ़िया दिखता है बता रहे हैं, अभी तो जैसा कुछ भी नहीं था। अब आगे बढ़ेंगे, देख रहे हो मार्बल के टीले कितने बड़े बड़े हैं। वो कह रहा था यहाँ शूटिंग वूटिंग करने आते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गार्ड से बात हुई थी तो बता रहा था कोई गाने की शूटिंग चल रही थी, कोई लड़का था नाच रहा था वहाँ पे, तो 65,000 रुपये की पर्ची कटी थी यहाँ पे बता रहा था शूटिंग वगैरह करने के लिए। और नॉर्मली आप लोग जाके फोटो वोटो खिंचा के आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो पानी जो दिखता है ना, वो बारिश के टाइम भरेगा तब वो नीला हो जाता है, तब फोटोज़ अच्छी आती हैं। अभी तो पूरा सूखा हुआ है, जैसे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ कह रहा था पूरा जो सफ़ेद सफ़ेद जो ये हुआ है पूरा फैक्ट्री से कट कट के वेस्ट आता है, गीला वेस्ट होता है पूरा, यहाँ डंप कर दिया जाता है तो वो एकदम फिर धीरे धीरे पानी रिसता है, सूख जाता है तो पहाड़ टाइप के बन गए हैं इसी वजह से, उसकी वजह से। तो ऐसा कुछ है, ये देखो पत्थर कितना बड़ा जा रहा है, अब ये जाएगा पत्थर इतना बड़ा ब्लॉक फैक्ट्री में कटेगा सीट्स में, जैसे ये सीट्स रखी हैं। अजमेर है ये देखिए आपके सामने, क्या नज़ारा है यार, अद्भुत बिल्कुल, पहाड़ों के बीच में से जा रही है वो, देखो एकदम शानदार व्यू है भाई, शानदार। ओ भाई साहब पहाड़ देखो, वो देखो अजमेर शहर, अजमेर पूरा ग्रीनरी में बसा है लग रहा है। क्या रोडे हैं, क्या नज़ारे हैं, एकदम बेहतरीन अद्भुत। वो देखो ऊपर क्या है, वो किला है क्या शायद, वो अजमेर का किला लग रहा है। बहुत बात है यार, यहीं से इतना बड़ा दिख रहा है, मंदिर बने हैं, मंदिर हैं वो जो है ना, वो मंदिर हैं, 2, 3, 4, 5, 6 करके लाइन से हैं। बहुत भयंकर क्रॉस विंड्स आ रही हैं यार। हाँ तो दोस्तों ये देखो हाईवे, देखो और क्या देखोगे, बियावर क्रॉस कर गए हैं और आगे जा रहे हैं उदयपुर की ओर। उदयपुर यहाँ से 225 किलोमीटर है, अब देखते हैं 200 पूरा कर पाएंगे कि नहीं, या फिर बीच में कहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम है काफ़ी, अभी 12 ही बजे हैं, तो सोचा कि एक बार चलो चलते हैं देखते हैं, अगर आज के आज पहुँच जाएंगे तो भी बढ़िया है, रुक के रुकाते वहीं सो जाएंगे आराम से, 2-3 दिन तो रुकेंगे उदयपुर में, फिर देखेंगे आगे। पहाड़ी देखो, पहाड़ी इलाका शुरू, क्रॉस विंड्स ने तो हालत कर दिया ख़राब भाई, देखो साफ सीधी बात, बहुत तेज़ हवा चल रही है यार। अरे भाई साहब ये देखो ट्रक पलटा हुआ है कितना भयानक तरीके से, तो भाई नज़ारा सामने आपके तालाब, ये जब दिख रहा है रोड अच्छी है, बीच बीच बन रही है, नदी तैयार हो जाएगी, उदयपुर तक फिर हवा हवाई आप लोग आ सकते हो गाड़ी से, तो मज़े आ जाएंगे, बाइक से थोड़ा सा थकाऊ रास्ता है। ये देखो दोस्तों, ये देखो पहाड़ों के बीच से वो देखो झंडा लहर रहा है,
वहाँ यार ये पहाड़ भाई क्या रोड देखो भाई साहब ये देख रहे हो दूर दूर तक नजारा भाई तगड़ा। बैंड बज चुकी है भाइयों, बैंड बज चुकी है। जयपुर से कंटिन्यूस लगातार चल रहा है सुबह 7 बजे से और टाइम हो गया है 2 बजे के आसपास हो रहा है। थोड़ा तो सपोर्ट करना यार, आप लोग बहुत दूर आ गए हैं। जयपुर कोई नहीं जाता है क्या, सब ट्रेन से ही जाते हैं लग रहा, पूरी लोडेड आ गई देख रहे हो क्या, पता नहीं हो सकता है कहीं और रास्ते हो। ये हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन समझ के छोटे बंद तो काफी किया है यार, और ही बहुत पैचेस हैं इस बीच में जो बच्चे हैं। ये देखो भाई ये है व्यू, चलते हैं आगे दोस्त। छोटा सा बैराज टाइप का है ये देखो, ओ नाइस। यहाँ से देखो कैसे नाली बनी है पानी की, वो देखो दरवाजा है उससे पानी आ रहा है और साफ सुथरा पानी है भाई। और जब पानी ज़्यादा भर जाता होगा तो ऊपर से आ जाता है स्पिलवे से बहता होगा, अभी तो पानी कम है। खूबसूरत है यार, तगड़ा यार तगड़ा ये व्यू है यार। पहाड़ी से जस्ट नीचे उतरते हुए और शानदार रोड यार, एक तो शानदार है यार ये, मजा आ गई इसको तो गाड़ी चलाने में, कितनी मजा आएगी। हर हर लग जाओ भाई जी, बहुत बढ़िया है। उदयपुर है 85 किलोमीटर। हाँ तो दोस्त खाना पीना हो गया है, अब चलते हैं अपने आगे के पड़ाव पे। उदयपुर है 52 किलोमीटर इस वक्त, लगभग 1 घंटे का रास्ता। बहुत लंबा गाड़ी चला दी है मैंने, 400 किलोमीटर आज पूरे पूरे कर दिए सिंगल रन में विद बाइक। खाना अच्छा था, सागर रेस्टोरेंट है उदयपुर से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। अच्छा खाना था, थाली खाई थी 200 रुपये की थाली थी, छाछ चार रोटी चावल पनीर की सब्जी दाल और छोला और पापड़, सही था भाई खाना। भूख लग गई थी बहुत जोर की, यूज़ हो गई है बॉडी, अब गाड़ी चलाने में भी ठीक लगेगा। महादेव के शिवजी दिख गए सामने मुझे, बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है, बहुत देखो शिवलिंग शिवजी, हर हर महादेव। भाई साहब क्या शानदार जगह बैठे हैं भाई, तो पहाड़ों के बीच में देखो शिवजी उधर बैठे हैं, बहुत देखो शानदार घोड़ा घाटी में आपका स्वागत है दोस्त। देखो उदयपुर की घाटियां हैं ये, लश ग्रीनरी शुरू हो गई फिर से, देखो ग्रीन ग्रीन है सब यहाँ पे, बीच बीच में ग्रीनरी है उस साइड पूरा सूखा है। ये देखो ग्रीनरी इधर खेती हो रही है,
स्वागत है दोस्तों, स्वागत है उदयपुर। मजा आ गई यार, बहुत मेहनत कर ली यार इस चीज के लिए। फाइनली यार 25 किलोमीटर और। ये देखो भाई, बेहतरीन नजारे के साथ। वाह मैन वाह, ओहो हो हो, बहुत बढ़िया। वो देखो महल दिख रहा है। ये देखो पहाड़ काट दिया है इधर। ये देखो गाड़ी धीमे हो गई, यहाँ ऑक्सीजन कम हो जा रही है क्या बाइक के लिए। अभी तो फुल एक्सीलेटर से 60 जा रही है भाई साहब। एयर पतली होने के कारण फ्यूल जलता नहीं है सही से। यार इतनी ऊंचाई पे तो है नहीं यार। ये देखो ट्रक देखो मिसेर मिसेर हो रहे हैं। सामने देखो टनल आ गई है उदयपुर में। एंटर होने वाले हैं अब हम लोग। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। Smart City of Lakes welcome you. Yes. Oh man, no. City of Lakes में आपका स्वागत है यार। टनल क्रॉस हो गई, फाइनली वी आर इन उदयपुर। साउंड ऑफ रिलीफ मैन, साउंड ऑफ रिलीफ। ओ भाई साहब, ये देखो सामने ये है उदयपुर आपके, बिल्कुल बेहतरीन नजारा। चलो थोड़ा उदयपुर भी आप देखो हमारी नज़रों से। धूप बड़ी तेज है लेकिन खैर, धूप से डरे होते तो यहाँ क्यों आते। रूम मिलेगा, रूम रूम अभी पूछ ले पहले। वो कहते हैं ना दोस्त, हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। तो बस यही मेरी एक छोटी सी कहानी है, जो मेरा सपना था लखनऊ से उदयपुर बाइक ट्रिप पे आने का, वो मैंने पूरा किया। आगे बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट व्लॉग में आपको उदयपुर घुमाते हैं अपनी नज़रों से। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।